आज पुरानी हवेली में साउथ जोन डीसीपी के ऑफिस में एक मुलाकात हुई है, बैठक हुई है। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के मेम्बरान, अहदेदार, बुज़ुर्ग और दूसरे मुआजिज उलेमा उसमें हाजिर हुए हैं। वो ये जो मिलाद का जुलूस हो या गणेश का जुलूस एक ही दिन आने का जो हुआ है 35 साल के बाद, तो थोड़े दिन पहले ये जुलूस कमेटी के अहदेदारों ने एक फ़ैसला लिया था कि इसको मुतल्लफ़ किया जाए, कि अक्टूबर 1 को इसको किया जाए। तो उसके लिए हम परमिशन भी दे दिए हैं। और ये आज के दिन ये ऑर्गेनाइज़ करें, कैसे इसके इंतज़ाम करें, तो मैं अपने तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट हो या हुकूमत की तरफ से, मैं हमारे ये फ़ैसला जो है उसका पूरी तरीके से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ सभी का, मुस्लिम भाइयों बहनों का, कि इतना बड़ा फ़ैसला जो आपने लिया है अपने मुल्क के लिए ही एक बहुत बड़ा एक मिसाल बन के रह जाएगा। सब लोग इसको देखकर, ये हैदराबाद शहर का जो, ये रियासत का भी जो तहजीब है यहाँ का, गंगा जमुनी तहजीब जो जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसको बनाए रखने के लिए, यहाँ का फ़िज़ा जो है उसको बनाए रखने के लिए क्या यहाँ के लोग करते हैं, आवाम कैसे मिलजुल कर रहती है, इसका मिसाल ये बनकर रह गया है। तो हम सबसे अपील करते हैं कि इस मिसाल को आगे लेकर चलें, और सब लोग, अभी अफसरान सब लोग दिन रात यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, गणेश पंडाल्स के आजू बाजू जो इंतज़ाम हैं, जो इमर्शन के लिए जुलूस जाता है रोज़ भर, उसके इंतज़ाम जो हैं, और जो लेक्स के आजू बाजू हुसैन सागर हो, दूसरे जो हैं वहाँ पर जो इंतज़ाम हैं, सभी का की निगरानी हम कर रहे हैं। और पूरे GHMC हो या दूसरे डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के, हुकूमत के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, सभी लोग इसमें मौजूद हैं, सब लोग आपका ताउन इसमें मानते हैं। और जो फैसला आज लिया गया है और जो इंतज़ाम हम कर रहे हैं, वो सभी लोग इसको देखें, इसको मिसाल के तौर पर लें, और आगे चलकर जो भी इंतज़ाम इसके लिए करना है, जो पहली तारीख को, अक्टूबर के पहली तारीख को जो जुलूस निकलता है, उसके लिए हम पूरी तरीके से इंतज़ाम फिर से, ये गणेश का जुलूस जो है 28 को हो जाएगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे। और जब तक भी सब लोग जो पीस कमेटी के मेम्बरान हैं, जो हमारे साथ पुलिस स्टेशन्स में हमारे ऑफिसर्स के साथ रहते हैं, और नौजवान जो हैं, उनको मैं सब अपील करता हूं कि को बनाए रखें, सब लोग समझें क्या बात है, और अपने आप पर ज़रा कंट्रोल रखें। और सबसे मैं अपील करता हूं कि पुलिस का साथ दें और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें। तो इस मौके पर मैं सबको, अपना पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से मेरा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और पेश करना चाहता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी शहर हैदराबाद में मरकजी मिलाद जुलूस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। जैसा कि ऐलान किया जा चुका है कि पहले अक्टूबर को बरोज़ इतवार मक्का मस्जिद से मरकजी मिलाद जुलूस निकाला जाएगा। उस सिलसिले में आज कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब CV आनंद साहब के साथ तमाम मिलाद जुलूस कमेटी के अरकान और अहदेदारान और उलमा मशायखीन ने मुलाकात की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मिसाली रही कि अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद शहर ने जो इतवार का ऐलान किया, उसी की देखा में दूसरे शहरों ने भी उसकी साथ दिया। शहर बेंगलुरु और शहर बॉम्बे में भी हमारी तारीख को अपनाया गया, तो ये बेहतरीन मिसाल पेश की गई। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबादी आवाम और यहाँ की क़ियादत ने सही फैसला लिया अमन अमान के लिए। हम सब से
ये गुजारिश करते हैं कि इस जुलूस में शिरकत फरमा कर इसको कामयाब बनाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के अहदेदारान, अराकीन और शहर हैदराबाद फरकुंदा बुनियाद के मशाइख निज़ाम और उलमाए दीन ने सिटी पुलिस कोतवाल देवबंदा जनाब सी वी आनंद साहब, IPS और उनके हमनवा तमाम ऑफिसरों के साथ एक मीटिंग रही, और उस मीटिंग इस मकसद से थी कि सब में पहले तो जो मरकज़ी मिलाद कमेटी और हैदराबाद का दानिशवर तबका ने जो मिलाद जुलूस और गणेश फंक्शन जो सेम डे आ रहे थे उसको मिलाद जुलूस वाले प्रोपोन या पोस्टपोन कर उसको जो इतवार को रखे उस बारे में शुक्रिया करना चाह रहे थे। दूसरी चीज़, जुलूस के इंतजाम के सिलसिले में जुलूस की एक सक्सेसफुल होने के लिए किस तरीके से जो है इंतजाम को खतियत दें, लैंड ऑर्डर की ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है, ट्रैफिक पुलिस जो है अपना खिदमत कहाँ कहाँ अंजाम दे, जुलूस की रूट को आसान बनाने के लिए उस पर तबादला ख्याल हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसी ख्याल के साथ जो है मीटिंग का अख्तिताम हुआ है। और आवाम उन्नास को इस आपके मीडिया के ज़रिए हम गुजारिश करते हैं कि वो 1 अक्टूबर बरोज़ इतवार को इंतहाई अकीदत के साथ जौख दर जौख पुरजोश और पुरहोश अंदाज में मक्का मस्जिद के पास जो है 12 बजे तशरीफ़ लाएँ ताकि जुलूस का शायन निशान आगाज़ हो सके।